हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और नया डिजाइन लेकर आई हूँ। ये भी एक बूटी डिजाइन है, ये भी आप कहीं पर भी बना सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। सब्सक्राइब के लिए वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन होता है, आप उसका दबा दीजिए, और उसके साथ एक बेल आइकॉन का बटन होता है, आप उसको भी दबा दीजिए। ऐसा करने से मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हम यहां से शुरू करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा टेढ़ा करके टांका लेंगे और ये हम 3-4 नंबर पर लेंगे। ये हमारा सैटन स्टिच से ही बनेगा सारा मोटिव जो है, ये सारा हम इसको सैटन स्टिच से ही बनाएंगे। इन बूटियों को मैंने हाथ से ड्रॉ करके और फिर मैंने इसकी छपाई कर ली है। छपाई करने की वीडियो मैंने और भी डाली हुई है, आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलो तो शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हम यहां से करेंगे। यहां हम डार्क पिंक लगाएंगे। छोटे हैं यहाँ पर, इस तरह बनाएंगे हम। बीच में जो बिंदी बनी हुई है वहां पर हम रेड कलर लगाएंगे। ये देखिए बिंदी, हम देखो 0 से लेकर 2 पर लेकर फिर 0 पर लेकर आएंगे। इसकी पत्तियां हम हाफ हाफ करके बनाएंगे यहां पर। पहले हम आधे में लेंगे, 0 से लेकर 2 नंबर पर लेकर हम इस तरह हम इसकी पत्तियां बनाएंगे। और इसके बीच में जो इसकी डंडी है वो हम थोड़ा डार्क कलर लगाएंगे और डंडी को हम 1 नंबर पर लाएंगे। ठीक, तो आप इसकी पत्तियों में भी एक लाइन जो है वो डार्क ग्रीन से कर दें। ये फ्रेंड्स, फ्लावर बनाने बहुत ही आसान है, आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। जो बीच वाले फ्लावर हैं उसमें हम थोड़ा छोटा टांका लें। यहाँ पर फ्लावर में हमने 0 लेकर फिर 3-4 नंबर लेकर फिर 0 पर लाएंगे और छोटे टांके में हम 0 पर लेके जाके फिर 2 नंबर पर लाके फिर 0 पर ले आएंगे। इसकी पत्तियां भी हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने फ्लावर की जो फ्लावर का टांका लिया है उसकी। इस तरह हम सारे बूटियों को कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो ये कैसी लगी प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज, थैंक यू।